नमस्कार, आपके साथ मैं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। गुजरात में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं, वहीं बीजेपी भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। खड़गे ने एक चुनावी रैली में मोदी की जो तुलना है वो रावण से कर दी है। बीजेपी ने तो इसे पार्टी की बौखलाहट बताया है। खड़गे ने आगे कहा कि मैं देख रहा हूं कि पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है, चाहे वह नगर पालिका का चुनाव हो, निगम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। उम्मीदवार के नाम पर वोट मांगे तब क्या होगा? क्या मोदी नगर पालिका में आकर काम करेंगे? क्या वह आपकी जरूरत के समय आपकी मदद करने वाले बनेंगे? वहीं बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बौखला गई है, कांग्रेस पार्टी डर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात चुनाव की गर्मी नहीं झेल पा रही है, इसी वजह से उन्होंने अपने शब्दों का नियंत्रण खो दिया है और पीएम मोदी को रावण कह दिया है। कांग्रेस लगातार गुजरात और उसके बेटे का अपमान कर रही है। संबित पात्रा ने भी इस बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम के लिए उचित नहीं है, ये निंदनीय है और कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। यह सिर्फ पीएम का अपमान नहीं, हर गुजराती को यह बुरी और अपमान वाली बात कह दी है, ये गुजराती कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि गुजरात के चुनाव नजदीक हैं और ये सियासी पारा जो है चढ़ता जा रहा है। जहां एक और 77 सीटों पर पिछले 5 साल की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी बढ़त हासिल कही थी, वहीं 99 सीटों पर गुजरात में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो बयानबाजी आ रही है, इस बार जो प्रधानमंत्री को रावण बोल दिया जाता है और मल्लिकार्जुन खड़गे को तमाम नेताओं को बीजेपी घेरती रहती है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।